नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे आरआरबी एंड टीपीसी में जो जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। और ये आपके एग्जाम अपकमिंग फेज 3 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टॉप 50 देख सकते हैं, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड आप वो क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसा ही अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अभी अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो काफी लाभदायक करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा एनटीपीसी में रिपीट हो रहे हैं, वही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं या उससे रिलेटेड आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पूछा गया, तो काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेशनल हाईवे 44 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल हाईवे 44 कनेक्ट जो दो प्लेसेस को करता है वो कहाँ से कहाँ करता है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, देख एक शिफ्ट में कौन सा है पूछा गया, तो कौन से कनेक्ट करता है दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये कनेक्ट करता है आपको श्रीनगर इन द नॉर्थ एंड इट्स इन कन्याकुमारी इन साउथ। ये नॉर्थ में आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी जो साउथ में है हमारा, वहाँ पे एंड होता है। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स की सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद, हैदराबाद को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गिफेन गुड्स क्या होता है। गिफेन गुड्स इकोनॉमिक्स टर्म्स में आपको पता होना चाहिए कि इसका जब प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन बच्चे का मतलब करने लगते हैं इंसान, और वाइस वर्सा, मतलब बढ़ता है तो भी करते हैं, घटता है तो भी करते हैं। इसको गिफेन गुड्स बोला जाता है। इकोनॉमिक्स के अगर आप छात्र हैं तो ये आराम से बता पाएंगे। व्हाट इज मेजर्ड ड्यूरिंग मेजर्ड यूजिंग वोल्ट मीटर से क्या आप करते हैं? तो डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करेंगे, मतलब डीसी और एसी करंट आप वोल्ट मीटर से मापते हैं। आपको वहां अगर ऑप्शन में रहा तो डायरेक्ट अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट वोल्ट मीटर आमीटर होता है। यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर में आमीटर होता है, लेकिन यहाँ अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे वोल्टेज होगा, एसी वोल्टेज। अगर आमीटर रहेगा मेजर आमीटर तो वहाँ पे करंट होगा, यहाँ पे सुधार लेंगे आप, इलेक्ट्रिकल करंट वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट से वोल्टेज हम लोग नापते हैं। और आमीटर अगर रहा तो आमीटर से इलेक्ट्रिकल करंट नापते हैं, यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। व्हाट इज आर्टिकल 72 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 72 आर्टिकल क्या बोलता है? तो आर्टिकल 72 प्रोवाइड्स प्रेसिडेंट विद हिज पावर। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उसके पावर को इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है ये आर्टिकल 72। तो ये आपको ध्यान में देना है। और इसकी पावर जो है, जो आपको ऑब्जेक्ट रिमिशन और पनिशमेंट, जो पनिशमेंट जो किसी मुजरिम को मिलता है उसको सस्पेंड करने का भी पावर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को देता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर सकते हैं आप, कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं और आगे। व्हाट इज द हेडक्वार्टर यूएन? देखिए यूएन का हेडक्वार्टर, तो जितने भी हेडक्वार्टर हैं आपके इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, तो रिपीट हो रहा है कोई ना कोई सेक्शन में, मैंने वीडियो भी अपलोड किया है इसका। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो देखे होंगे, हेडक्वार्टर्स कोई ना कोई सेक्टर शिफ्ट में पूछ ही रहा है। तो हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये तो जानते हैं, गैस सिलेंडर जो दिया गया है, ये जनरली पूछा जाता है कि कब लॉन्च हुआ था। तो ये उज्ज्वला योजना जो है, घर घर आप शायद 2015 या 16 में आप कंफर्म कर लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस से रिलेटेड? गैस सिलेंडर से। व्हाट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये आया था ऑप्शन में। वो व्हाट वाज हु वाज द हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो खुदाई करते हैं, तो उसके हैं आपके हेड मोर्टिमर व्हीलर। व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया रिलेटेड? स्टार्टअप इंडिया तो जान रहे हैं किस लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्टअप जो कल्चरल और बिल्ड स्ट्रांग जो हमारे सोसाइटी को, स्टार्टअप इंडिया जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो मतलब नए स्टार्टअप कंपनीज करने चाहिए, स्टार्टअप इंडिया उसके लिए है। और इसका भी लॉन्च आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था ये आप ध्यान देंगे और इसे पढ़ लेंगे, कि हो सकता है अगले वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन जो है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी लोकेटेड। देखिए फिर से आया रिपीटेड क्वेश्चन, हेडक्वार्टर आया। हेडक्वार्टर आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बार पूछता है। टोक्यो जापान होगा आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हु एस्टेब्लिश द सिटी फतेहाबाद? फिरोज शाह तुगलक। विच कंट्री वॉज बैंड इन केस ऑफ
डोपिंग, डोपिंग से अभी किसी कंट्री को बैन किया गया था, वो रसिया था, या रसिया होगा आंसर। जी हाँ रसिया है। फिर व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1930 में हुआ था, ये आपको याद रखना होगा, 1930 में हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और तीनों राउंड टेबल क्वेश्चन पूछता है कौन अटेंड किया, तो बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो हुआ था तीनों अटेंड किया था, ये कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें पूछा गया व्हेन डिड पोर्तुगीज कैप्चर गोवा, तो 1512 में, हु रोट इन ए अकबरी, तो अब्दुल फजल मुबारक, हु वॉन द अवार्ड रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड फॉर फर्स्ट टाइम, तो जावेद अख्तर जी को मिला गया, व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ आईएमडी सेलिब्रेटेड, आईएमडी जो आईएमडी आपकी रेटिंग एजेंसी है, 15 जनवरी का फाउंडेशन डे है उसका, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ऑस्कर, ऑस्कर जो पहली जीतने वाली थी, भानु अथिया, भानु अथिया, ये अथिया आप याद रखिएगा, सुनील सेठ की बेटी नहीं है वो, उनसे आप याद रख सकें, अथिया नाम की एक महिला है जिनको पहले मतलब ऑस्कर अवार्ड मिला गया है, बस आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सुनील सेठी बेटी का भी नाम अथिया है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, हु डिजाइन द लोगो ऑफ लोकपाल, लोकपाल प्रशांत मिश्रा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्जाम में रिपीट होता है, प्रशांत मिश्रा, विच स्टेट ऑफ इंडिया टच द बॉर्डर ऑफ नेपाल, ये तो आपको देखना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये सारे स्टेट नेपाल के टच। हु इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के चेयरपर्सन का पूछ रहा है, ये आप देख सकते हैं। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, पहला नेशनल पार्क जो इंडिया का था वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, तो ये सब क्वेश्चंस कई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको आइडिया भी मिल गया होगा कि देखिए नेशनल पार्क और यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको आपको देख लेना है। फिर इसराइल बिगेस्ट अवार्ड वॉज गिवन टू हुम, इसराइल का सबसे बड़ा पुरस्कार प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों को दिया गया है, वेयर इज द खुसरो टेम्पल जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, इंदिरा गांधी साइंड शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में जो लड़ाई हुआ था उसके बाद वो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, फिर इसमें जो है जुल्फिकार अली भुट्टो जो उधर से पाकिस्तान के तरफ से थे। इन विच स्टेट इज द लावनी डांस, लावनी काफी इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन डांस फॉर्म से, मतलब इससे आपको पता चलेगा कि डांस फॉर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सारे स्टेट्स के आपको डांस फॉर्म मैंने अपलोड किया हुआ है आप देख लेंगे, महाराष्ट्र में होता है लावनी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, गीगा पारसेक, बिगेस्ट यूनिट डिस्टेंस आप किलोमीटर नहीं करेंगे, गीगा पारसेक होगा आंसर, सही आपको ध्यान देना है ये वाला क्वेश्चन। इन विच ईयर 2019, इन द ईयर 2019 विच डेट वॉज बजट प्रेजेंटेड बाई पीयूष गोयल, तो फरवरी एक को, मतलब क्या इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1 फरवरी जनरली 28 फरवरी होता है, लेकिन ये 1 फरवरी ही इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के लिए। ये वेयर इज द नाटो हेडक्वार्टर, नाटो का ब्रुसेल बेल्जियम, देखिए हर एक शिफ्ट में फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ हेडक्वार्टर से रिलेटेड, बेल्जियम ब्रुसेल्स नाटो का हेडक्वार्टर। व्हाट इज फुल फॉर्म HTML, HTML फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी मैं टॉप 50 करवा दूंगा और टॉप 50 फिर लेके आऊंगा आपके लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। व्हाट इज साइंटिफिक नाउ मस्टर्ड, मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम ब्रैसिका, व्हेन डिड दे अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एम वेंकैया नायडू, ये तो जानते हैं आप, वेयर इज द मानुषी चिलर क्राउन मिस यूनिवर्स, देखिए मानुषी चिलर को जो अवार्ड मिस यूनिवर्स का मिला था वो चाइना में मिलेगा था, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1931 में कंडक्टेड ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से, वेयर वॉज द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुआ था, कराची में हुआ था, ये आपको ध्यान देना कराची में हुआ था। वेयर इज द रंगपुर टेम्पल, राजस्थान में, रंगपुर टेम्पल राजस्थान, याद रखिएगा रंगपुर राजस्थान। हु इज द फादर ऑफ
इंडियन सिनेमा दादा भाई फाल्के, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वेर इज द सांची स्तूपा भोपाल मध्य प्रदेश, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके फेमस मॉन्यूमेंट्स है वो तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपको, उसमें से एक है सांची स्तूपा। और आगे बढ़ते हैं, 44, व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लॉपी। जनरली ये देर आर थ्री साइज, 8 इंच का होता है और 100 MB मैक्सिमम स्पेस होता था, 5.25 इंचेस का, 1.4 भी देख सकते हैं और 3.5 इंचेस का, इतना। तो ये तीनों आपको याद रखना है, शायद कोई शिफ्ट में पूछ ले। वेयर डिड द फर्स्ट राउंड, देखिए कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस, फिर से क्वेश्चन आ गया 12 1930 में। हु इज द सीईओ एप्पल, टिम कुक। एप्पल के सीईओ का नाम टिम कुक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इकोनॉमिक्स का टर्म है। SLR एक गन है, अगर आप गेम खेलते होंगे SLR, उसमें एक गन होता है, लेकिन वो नहीं है, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इकोनॉमिक के टर्म्स में ये रेशियो है, इंडेक्स है। और अब बढ़ते हैं 48, 49, ये हमारा लास्ट तीन क्वेश्चंस है। व्हाट इज सीक्रेट इन द लीवर ऑफ ह्यूमन, लीवर में कौन सा सीक्रेट करता है, तो बाइल जूस करता है, बाइल, जो कि खाना पचाने में, बाइल जूस आपको डाइजेस्टिव एंजाइम भी किस तरह भी काम करता है, बैक्टीरिया मारता है। बैन की मून इज रिलेटेड टू विच कंट्री, बन की मून इसे साउथ कोरिया से रिलेटेड है, ये भी आइडिया नहीं है, आप देख सकते हैं। हु इज द पीएम ऑफ नेपाल, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा गया, तो इसके पीएम है केपी शर्मा ओली, शर्मा ओली, ये है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड किया, आगे क्वेश्चंस और भी मैं अपलोड करूँगा आपके लिए अगर आपको चाहिए तो। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया हो, धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे अपडेट आपको हमेशा मिलेगा पढ़ाई से रिलेटेड। और आशा है आपका थर्ड शिफ्ट में, अगर फेज में है तो ये सब क्वेश्चंस आपको देख के जाना चाहिए, क्योंकि ये रिपीट भी हो रहा है क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाएंगे। और धन्यवाद।